अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू कवायद में मुरक्कबे नाकिस की तीसरी किस्म मुरक्कबे अत्वी को पढ़े और समझेंगे। वो इस्म कि जो हुरूफे अतफ और वाव से जुड़े हों मुरक्कबे अत्वी कहलाते हैं। हुरूफे अतफ किसे कहते हैं? हुरूफ़ अतफ़ दो इस्मों और जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन और, वाव, कर, फिर, नीज। इसमें और वाव हुरूफ़ अतफ़ ज़्यादातर मुरक्कबे अत्फ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ़ अतफ़ को हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मुरक्कबे अत्वी किसे कहते हैं? वो इस्म कि जो हुरूफे अतफ और वाव से जुड़े हों मुरक्कबे अत्वी कहलाते हैं। मुरक्कबे अत्वी की इस तारीफ़ को हम मिसालों के ज़रिए समझते हैं। तुलुओ गुरूब, इसमें वाव हुरूफे अतफ है। क्यों? क्योंकि ये दो इस्मों को आपस में मिला रहा है। अतफ से पहले वाला लफ्ज़ मातूफ इलई कहलाता है, तो तुलू मातूफ इलई है और अतफ के बाद वाला लफ्ज़ मातूफ कहलाता है, तो गुरूब मातूफ है। इसीलिए मुरक्कबे अत्वी की तारीफ़ ये भी की जाती है कि ऐसा मुरक्कब कि जो मातूफ इलई, अतफ और मातूफ से मिलकर बने वो मुरक्कबे अत्वी कहलाता है। इसीलिए तुलू व गुरूब मुरक्कबे अत्वी है। इंसान और हैवान, इसमें और अतफ है। क्यों? क्योंकि ये दो इस्मों को आपस में मिला रहा है। अतफ से पहले वाला लफ्ज़ मातूफ इलई कहलाता है, तो इंसान मातूफ इलई है, जबकि अतफ के बाद वाला लफ्ज़ मातूफ कहलाता है, तो हैवान मातूफ है। इसीलिए मुरक्कबे अत्वी की ये तारीफ़ भी की जाती है कि ऐसा मुरक्कब कि जो मातूफ इलई, अतफ और मातूफ से मिलकर बने वो मुरक्कबे अत्वी कहलाता है। तो इंसान और हैवान मुरक्कबे अत्वी है।